बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक एक बहुत अहम मसला जो आम तौर पे यूँ समझे कि इंटरनेशनल इशू है, नींद नहीं आती। सोने के लिए लेटते हैं, दो दो तीन तीन घंटे करवटें बदलते रहते हैं लेकिन नींद नहीं आती, और अगर आती है तो सुकून की नींद नहीं आती। तो इसका हल क्या है? बहुत अच्छे हल इंशाल्लाह आज देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो याद रखिए कि जहाँ आपने सोना है वहाँ पे आपको नींद का, सोने का एक माहौल बनाना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट जो माहौल बनाने के लिए जो ट्रिक्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो तो मैं बाद में बताता हूँ। माहौल ये है, नंबर वन, आपने नींद का एक स्केड्यूल फिक्स कर लें। उस टाइम पे आपने लाजमी लेटना, चाहे आप 10 बजे रखें, आप 11 बजे रखें, जो भी आपने रखना है, उस स्केड्यूल में रद्दो बदल नहीं होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, सोने से दो घंटे पहले ना टीवी आप देखेंगे ना मोबाइल का कुछ करेंगे, इन काम को ख़त्म कर दें, क्योंकि ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती रहती हैं। आपने टीवी देखा, टीवी बंद किया, या मोबाइल आप चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, मोबाइल ऑफ करके आप एकदम लेट गए सोने के लिए, तो ज़ाहिर है वो जितना कुछ अभी आपने देखा वो सारा कुछ जहन में, जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें होता है, हमें डिस्टर्ब करता रहता है। इसलिए दो घंटे पहले बिल्कुल ये चीज़ें आउट ऑफ टच कर दें बस। नंबर नेक्स्ट, रात को चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी, इससे भी आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ, नीम गर्म दूध पी सकते हैं। फिर दोपहर को ज़्यादा नहीं सोना, ये सारा माहौल का बता रहा हूँ कि कैसे माहौल बनता है। दोपहर को ज़्यादा नहीं सोना, उसमें भी आपका जो रात वाली नींद है वो आपकी सफ़र नहीं होगी। फिर वो खुराक ज़्यादा खाएं जो जिसमें मैग्नीशियम है, मसलन उसमें कद्दू है, बादाम है, पालक है, पिस्ता वगैरह है, ड्राई फ्रूट है, ये मैग्नीशियम वाली खुराक है। सोने से दो घंटे पहले कोई मर्द सिगरेट ना पिए, इससे भी नींद ख़त्म हो जाती है। फिर आपने पुरसकून माहौल में लेटना है, मतलब आप मोबाइल ऑफ कर दें बेहतर है, जो काम करना। सपोज आपका, अगर आपका 11 बजे का सोने का टाइम है तो आप 10 बजे मोबाइल ऑफ कर दें बस। हत्ता कि जो घड़ी की टिक टिक है ये भी इंसान को डिस्टर्ब करती है, इसे इतना पुरसकून माहौल इंसान को चाहिए होता है। फिर बेहतर है आप नीम गर्म पानी से नहा कर लेटें, उससे बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। खुशबू लगाने से भी जल्दी नींद आती है। शाम का खाना जल्दी खा ले, उससे भी जल्दी नींद आती है। फिर जिस बेड पे आप लेट रहे हैं वो बेड बड़ा कंफर्टेबल हो, और याद रखिए कि अगर आर्थो पिल्लो अगर आप यूज़ करें, यकीन करें वो बेस्ट होता है, उसमें आपकी गर्दन में कभी दर्द नहीं होगा। यानी अक्सर होता है ना कि बाजू का इंसान उठता है तो ऐसे लगता है कि पता नहीं अभी मेरे गर्दन में मुसलसल दर्द हो रहा है, आर्थो पिल्लो यूज़ करें दर्द नहीं होगा और नींद भी अच्छी आएगी। असर ता मगरिब चाहे वॉक करें चाहे वर्जिश करें, ये बहुत ज़रूरी है, ये भी नींद लाने वाली एक बेहतरीन टेक्निक है। लेटने से पहले आप कोई लिक्विड ना लें, चाहे पानी ही क्यों ना हो, लिक्विड ना लें बेहतर है। आप एक और चीज़ जो बड़ी डिस्टर्ब करती है ना कि आप लेट गए हैं, उस वक्त आपको ख्याल है कि अभी तो ये काम रहता है, बर्तन संभालने थे, मोबाइल का हमने अलार्म सेट करना था, ये करना था, वगैरह वगैरह, छोटे छोटे काम जहन में थे, फिर उठते हैं, ये चीज़ आपकी नींद को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देती है। तो आपने सारे काम एक दफ़ा निपटा के फिर सोने के लिए लेटा करें। फिर अपनी ना सोने की जो पोजीशन है उसको एडजस्ट कर ले। हर इंसान की सोने की खास पोजीशन होती है, उस पोजीशन पर इंसान ज़्यादा बेहतर तरीके से सो सकता है। और सबसे बेस्ट है जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि आप दाएं तरफ करवट बदल के अपना हाथ जब यहाँ पे रखें और फिर आप सोएं, तो आप जो है ना वो एक अच्छी नींद एंजॉय करेंगे और आपका स्टमक जो है ना वो भी बेहतरीन काम करेगा। अच्छा, एक और बताऊं कि घुटनों के दरमियान में तकिया रख कर सोएं, ये भी आपके लिए एक बेहतरीन तकनीक है। अभी मैं उन चीज़ों की तरफ आता हूँ जिससे आपको नींद ऐसे मिनटों में आ जाएगी, यकीन करें, मतलब दावा नहीं करता लेकिन विद इन सेकेंड्स भी आपको नींद जो है ना वो आ जाएगी। एनी हाउ 2 से 3 मिनट नींद के लग जाते हैं, लेकिन जो मैं बोलने लगा हूँ अगर आप इसको मानेंगे, इसको अपनाएंगे, तो यकीन करें विद इन सेकेंड्स जो है ना वो आपको नींद आ जाएगी। नंबर वन, अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दे, ढीला, इतना ढीला छोड़ दे कि आपके मुँह भी ऐसे खुल जाए, इतना ढीला हो जाए, क्योंकि मुँह हमारा बंद है, मुँह हमारा टाइट है, तो आप इतना बिल्कुल जो ही आप
अपने पूरी स्किन को भी ढीला छोड़ेंगे, आपको नींद इमीडिएटली आपको नींद आ जाएगी। नंबर टू, जहन बिल्कुल रिलैक्स कर दे, कोई चीज नहीं सोचनी, ये भी नहीं सोचनी कि मैं कुछ नहीं सोच रहा या कुछ नहीं सोच रही, इतना भी नहीं सोचना, बिल्कुल रिलैक्स कर दे जहन को, ढीला कर दे, समझे कि बस आप समझे अंधेरा ही अंधेरा हो गया, दिमाग आपका बिल्कुल ब्लैक हो गया। आंखें बंद करें, याद रखें आंखें नहीं खोलनी, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक कर लें। और जो है ना एक और चीज है कि ये जो आईब्रोज है, अगर आप इनको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ उठाएं और नीचे करें, ये आपकी आंखों को रिलैक्स कर देगा। अब मैं तीन जबरदस्त टेक्निक पे आता हूं। एक तकनीक मैंने आपको जो अभी पहले बताई है कि अपने पूरी स्किन को ढीला छोड़ दें, इतना ढीला हो कि आपका मुंह भी हल्का सा खुल जाए, इतना ढीला छोड़ दें आप अपनी स्किन को, नंबर वन। नंबर टू, अपने दिमाग को बिल्कुल ब्लैंक कर लें, कुछ नहीं सोचना, यकीन करें विद इन सेकेंड्स आप सो जाएंगे, इतना भी नहीं सोचना कि मैं कुछ नहीं सोच रहा। नंबर तीन, छोटी सी एक्सरसाइजेज है तीन। नंबर वन, ये जो जगह है ना, यानी ये जो छोटी उंगली है, इसकी यहाँ पे एक हल्का सा, यहाँ पे देखिए अब हॉलो स्पेस है यहाँ पे ना, जो इसको इस तरीके से आप रब करें, राइट लेफ्ट, कुछ टाइम राइट कर दें, कुछ टाइम लेफ्ट कर दें, कुछ ऊपर नीचे अप डाउन हो, कुछ राइट लेफ्ट ऐसे, ये आराम आराम से इसको आप करेंगे, आपको नींद आ जाएगी। नंबर नेक्स्ट, इस ये जो हमारी हथेली यहाँ पे ख़त्म होती है, इससे तीन फिंगर्स नीचे, ये जगह दरमियान में, यहाँ पे बिल्कुल उसी अंदाज में आप लेटे लेटे बिल्कुल दिमाग को रिलैक्स करके, कुछ नहीं सोच रहे और दिमाग आपने स्किन ढीली की हुई है, और ये ऐसा ऐसा आप कर रहे हैं, राइट पे करते जाए, फिर लेफ्ट पे करते जाए, अप डाउन करते रहे, इस तरीके से आप करते रहे। दो, नंबर तीन, ये जो हमारी गर्दन है, इसकी यहाँ पे इस साइड पे दो पॉइंट, दोनों पे राइट और लेफ्ट पे, इसको बिल्कुल अंगूठे के साथ उसी तरह जैसे यहाँ पे रब किया, ये आप रब करें, आपको इस तरीके से विद इन सेकेंड्स मैं तो बोलूँगा, लेकिन चलो एहतियातन मैं आपको विद इन मिनट्स कह रहा हूँ कि दो से तीन मिनट में आपको नींद आ जाएगी। और इसमें आखिरी पॉइंट ये है कि अगर आपने सॉक्स पहनी हैं, आपको जल्दी नींद आती है, अगर सॉक्स उतारी है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सॉक्स पहनकर सोना सेहत के लिए जो है ना मुफीद नहीं है, सॉक्स उतार के सोना चाहिए। और एक बात पहले मैं बता चुका हूँ कि फ्रेश ताज़ा पानी से या नीम गर्म पानी से आप नहा के, खुशबू लगा के आप बिस्तर पे आराम से मोबाइल को भी ऑफ करके आप लेट जाए, दिमाग को रिलैक्स कर दें, इंशाल्लाह विद इन सेकेंड्स आपको नींद आ जाएगी, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। और आखिर मैं इतना सिर्फ कहूँगा कि ये जो नींद की गोलियाँ खाते हैं, खुदा के लिए ये ना खाया, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ये जो मैंने कुछ बताया इसको आजमा के देखें, ये 100% ये प्रैक्टिस्ड है ये, और बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है जो मैंने आपको बताया, इससे कैसे करके देखें, आपको कभी इंशाल्लाह नींद की गोली की जो है ना स्लीपिंग जो पिल्स होती है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।